डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की स्पीकरशिप के आखिरी दिन उनसे मिलने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद पहुंचे, वो भी उसी वक्त आप पहुंची। अपने चैंबर में आई, आपको मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर बनने का एजाज मिला। एक खातून का मर्दों की अक्सरियत वाले ऐवान को चलाना काफी मुश्किल तो होगा। मैं समझती हूँ कि मुझे कम से कम उतनी तकलीफ नहीं हुई जैसा कि मैं सोच रही थी, या ये फियर्स थे कि एज अ के खातून स्पीकर के कि मैं हैंडल कर सकूंगी कि नहीं। आपके वालिद काजी अब्दुल मजीद आबिद सूबाई और वफाकी वजीर रहे, आपके शौहर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा भी काफी अरसे से सियासत में सरगर्म थे। आप सियासत में क्या मकसद लेकर आई? जब बहुत मुश्किल वक्त था पीपल्स पार्टी पे, और जिस वक्त 96 की गवर्नमेंट गई थी तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था पीपल्स पार्टी के लिए, तो उस टाइम पे मोहतरमा ने मुझे टिकट दी और ये कहा कि मैं अब इलेक्शन लड़ूं। मैंने अपने आप को डिस्कवर किया उस इलेक्शन कैंपेन में, एंड मैंने देखा कि वो जीन्स, वो खून जो मेरे अंदर है कि उसमें भी सियासत उसी तरह बिल्कुल मौजूद है। वालिद, शौहर और आपकी सियासत में कितना फर्क है? मैंने दोनों की सियासत से कुछ उनसे सीखा और कुछ इनहेरिट भी किया। कहा जाता है कि बीइंग ए स्पीकर इज लाइक वेयरिंग ए नेकलेस ऑफ नाइव्स, यानी आप अपने गले में कांटों का हार पहने हुए होते हैं। अगर आप हिज़्बे इक्तदार की तरफ झुकें तो हिज़्बे मुखालफ नाराज, और हिज़्बे मुखालफ की तरफ झुकें तो हिज़्बे इक्तदार नाराज। आपसे ज्यादा नाराज कौन रहा, आपकी अपनी पार्टी या हिज़्बे मुखालफ? होती थी सर्टन चीजों पे कुछ मेंबर्स की, बट ये कहूँ कि पार्टी के लेवल पे कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। गैर जानबदार स्पीकर के लिए सियासी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला इलेक्शन लड़ना होता है, क्या उस वक्त भी आपने गैर जानबदारी कायम रखी या फिर मुकम्मल तौर पर पार्टी की कारकुन होकर इलेक्शन लड़ा? देखिए, दुनिया में तो ये असूल है और काफी हमारे एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी है कि स्पीकर को अनअपोज किया जाता है। मुझे निहायत एक हैवी हार्ट के साथ कहना पड़ता है कि बेतहाशा वीकनेसेस थी इस सिस्टम की, बेतहाशा जिस तरह की रिगिंग और जो DRO एंड RO की इन्वॉल्वमेंट थी निहायत अफसोसनाक थी, और मुझे यकीनन फिर उस सूरत में कि भरपूर तरीके से मैंने एक पार्टी की वो की, क्योंकि मैं उस जब टिकट पे कंटेस्ट कर रही हूँ तो फिर मुझे पूरा पूरा उस पार्टी के साथ जिस टिकट पे मैंने किया, मैंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की और मैंने पूरे इलेक्शन उसी तरह की कि मैं एक पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट। तालीम और पेशे के एतबार से आप डॉक्टर हैं, मेडिकल की तालीम क्या सियासत में कुछ काम आई? बहुत काम, तालीम हमेशा किसी भी किस्म की हो मैं समझती हूँ कि बहुत उसका रोल होता है, क्योंकि वो पूरी पर्सनालिटी को बनाने में पूरा वो डेवलप है। और मेडिकल का ये था क्योंकि मैं सीधा आम आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने इंटरेक्ट किया, या जो एक मिजरी को, गुर्बत को बहुत करीब से देखा। तो यकीनन सियासत में भी हम वो रोल, वो जो डॉक्टर को मसीहा और एक होप और एक अल्लाह ताला के बाद अगर कोई उम्मीदें लगाई जाती हैं कि डॉक्टर्स उससे, इसी तरह जो सियासतदान अवाम की खिदमत करते हैं और वो भी उनका एक तरीके से उनके लिए उम्मीद होते हैं और उनके लिए हल निकालने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता 2 साल से कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, साथ साथ काम भी जारी, तकलीफ भी जारी, सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला कब आया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, मैंने बड़े बड़े चैलेंजेस जिंदगी में देखे लेकिन ये आजमाइश मेरे लिए बहुत बड़ी थी, बट मैंने इसको ताकत बनाया और कमजोरी नहीं बनाया।
के दौर में पार्लियामेंट की खाली दीवारों को पेंटिंग्स और तारीखी तस्वीर से मुजयन कर दिया गया है। तो मुझे ये बड़ी बिल्डिंग सुनी सी और एक डेड लगता था, डेड स्ट्रक्चर था, बस ब्रिक एंड सीमेंट पेन। इसलिए मैंने सिर्फ ये हिस्ट्री निकाली अपना पुराना, और लोगों को शायद पता भी ना हो कि पहली असेंबली जो हुई थी ये कराची में हुई, और उसके बाद ये हमारी मरी की है जी, ये ढाका में हुई। अच्छा, ये वो हिस्टोरिक बिल्डिंग है कि जिसमें 1973 एक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। ये है जो भुट्टो साहब इस बिल्डिंग का संगे बुनियाद रख रहे हैं। ये गुलजी साहब की थी कैलीग्राफी की, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खरीद के और इस पार्लियामेंट में यहाँ पे लगवाई। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स के लिए असेंबली में अलग कमरा मुख्तस किया गया है। पार्लियामेंट में ख्वातीन पार्लियामेंटेरियंस के लिए काकस ने बहुत अहम काम किए। पिछली पार्लियामेंट की मुद्दत थी, उसमें जो एक नुमाया चीज हुई है वो ये हुई है कि ख्वातीन पार्लियामेंटेरियंस मोबिलाइज हुई हैं। और वो किस तरह मोबिलाइज हुई हैं, वो स्पीकर साहिबा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा की विजन से ही हुई। जब ये आई तो हमें ऐसे लगा जैसे एक साहिबान हमारे ऊपर आ गया, खातून होने के नाते। कहते हैं जी औरतें तो ऐसे ही आ जाती हैं असेंबली में, उठ के आ जाती हैं, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि औरत जो है वो इतनी मजबूत है, और वो काम करने पे आए तो वो बेहतरीन काम कर सकती है, मर्दों से भी ज्यादा अच्छा। स्पीकर साहिबा की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये खुद आगे होती थी अपनी काबिलियत की वजह से, और अपने साथ हम सबको आगे लेके आती थी। और लीडर ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही होने चाहिए मुल्क में। लेडीज लाउंज का क्याम भी अमल में लाया गया है। तेजाब से जली एमए पास खातून ताहिरा रसूल को माजूर अफराद के कोटे में पार्लियामेंट में ग्रेड 17 की मुलाजमत भी दिलवाई। जब मेरे साथ हादसा हुआ था, मैं सोचती थी ये दुनिया सिर्फ जो है ना वो मैली है, ये यहाँ पे सिर्फ तन के उजले और मन के काले लोग ही रहते हैं। लेकिन मेरे दुखों का मुदावा इस तरह बनी है कि मैं सोचती हूँ कि इस नफसा नफसी के दौर में, इस तन के उजले और मन के काले दौर में ऐसे भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बाहर से भी उजला बनाया और अंदर से भी उजला बनाया हुआ है। इस दुनिया में इन जैसे एक ही फीसद होते हैं। मेरे तो अब्बू की भी फेवरेट मेरी अम्मी है, तो मेरी भी मेरी अम्मी है। अब्बू हमें ज्यादा स्पॉइल करते हैं और अम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं ज्यादा, तो कोई भी फरमाइश होती है तो वो अब्बू से छुपके से करते हैं। मेरे अब्बू घर में बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, हमें बहुत लविंग लव शो करते हैं और हमें बहुत स्पॉइल करते हैं, और अम्मी के साथ भी बहुत अच्छा रवैया। यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्पीकर हाउस बना हुआ है, तैयार भी था, बट मैंने उसमें मूव करना भी प्रेफर नहीं किया। मैं एक मिनिस्टर्स एनक्लेव में, जैसे और सब मिनिस्टर्स रहते हैं, उनमें से एक घर लेके उसमें रह रही हूँ। स्पीकर हाउस में रहना तो आपका इस्तेकाक था, वहाँ क्यों नहीं रहती रही? इस्तेकाक था, लेकिन उसमें बहुत सा खर्चा इन्वॉल्व था, और मैं जब बेल्ट टाइटनिंग की करनी थी तो मैं समझ रही थी कि रोल मॉडल मैं हूँ पहले, तो पहले मुझे करना चाहिए, तब मैं मेंबर्स से एक्सपेक्ट कर सकूंगी कि वो करें। बतौर स्पीकर आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? 100,000 प्लस वो था। एतराज तो बहुत उठते हैं, पार्लियामेंट का सालाना बजट कितना है? 1 अरब के करीब है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट का बजट दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है, हकीकत क्या है? बहुत ही कम है, और खास तौर पे हमारे तो जो मेंबर्स को जो हम यहाँ सैलरी देते हैं, जो कहने को बड़ा एक बदनाम किया जाता है, मैं बताती हूँ लीस्ट पेड है इवन इन द रीजन, हमारी नेपाल और अफगानिस्तान से भी कम सैलरी। कौमी असेंबली की लाइब्रेरी पहुंची। दुनिया के कानून साज अदारों में
लाइब्रेरी की, दारुल मुतालिया की बहुत अहमियत होती है। आपने कितनी किताबों का इसमें इजाफा किया? हमने कोई तकरीबन 8,000 हैं विद पब्लिकेशंस बुक्स जो हमने यहाँ इजाफा किया है। कौमी असेंबली के हाल में आई, पार्लियामान क्या सिर्फ किताबों में खुद मुख्तार है या वाकई आपको पार्लियामान का खुद मुख्तार होना नजर आया? हमारी इस 13th असेंबली ने बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इदारे के हैसियत से काम किया। स्पीकर कौमी असेंबली को ऐवान के माँ बाप का दर्जा हासिल होता है, क्या कभी किसी रुकने असेंबली के लिए अपने आप को बेबस महसूस किया? यकीनन ऐसे मौके भी आते थे, बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे पता होता था कि रूल्स से ये थोड़ा सा तजावज़ कर रहे हैं, तो कोशिश मेरी फिर भी ये होती थी कि मैं उनको तरीके से उस तरह वापस अपने उस पे ले आऊं। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जितने, क्या सब लोग लाए गए असेंबली में? जितनों के भी मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए वो सब मेंबर्स यहाँ पे लाए गए। स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि वो किसी रुकने असेंबली को उसके रवैये की वजह से ऐवान से बाहर भेज सकता है, क्या कभी आपको सार्जेंट एट आर्म बुलाने की जरूरत पड़ी, कभी सोचा? सोचना तो पड़ता था लेकिन बहरहाल उसको उस हद तक, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। 5 साल में सबसे महज़ब किस रुकने असेंबली का रवैया रहा और तंग किसने किया? मैं समझती हूँ अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने मेरा रिस्पेक्ट किया और मुझे वो इज्जत दी और कहना भी मानते थे और बहुत पॉजिटिव। एक मुअज्जज रुकने कौमी असेंबली आबद शेर अली ने कई दफ़ा आप पर एतराज़ किया, कई दफ़ा आपके मुखालिफ भी बातें करते रहे, वो कैसा लगा था? एक शरारती बच्चे वाला मैंने वो करके और उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की और जिसके बाद वो अक्सर आके बात भी कर लेते थे, बट यकीनन एक आध मेंबर्स से ज़रूर वो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के तो उससे मैंने हैंडल कर लिया। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में सोविनियर शॉप शुरू की है। कौमी असेंबली के ऐवान में तो कानून साजी होती है, आपने यहाँ सोविनियर शॉप क्यों खुलवा दी? इंटरनेशनली जब मैंने ट्रैवल किया तो वहाँ पार्लियामेंट की दीवारें बात करती हैं, हिस्ट्री बताती हैं, तो मैं ये चाहती थी कि हमारे पाकिस्तान का हैंडीक्राफ्ट या हमारा एक सोविनियर यहाँ जो आए वो यहाँ से एक तोहफा लेके जाए। ये सोविनियर किसने डिजाइन किए हैं? काफी चीजें तो मैंने भी की हैं क्योंकि यहाँ पे ये पार्लियामेंट की उन्हें पता चलना चाहिए। बिलखसूस आपने कौन सी चीजें डिजाइन की हैं? देखिए ये प्लेट्स हैं कुछ जो नेशनल असेंबली की, कफलिंग्स हमने रखी हैं और टाइपिंस थी वो रखी हैं और अपने कॉकस का लोगो है वो रखा है, ये मग है। टाइपिंस रखे, कफलिंग्स रखे, औरतों के लिए रखा? नहीं, औरतों के लिए वैसे तो शीट्स एंड स्कार्फ्स हमने यहाँ पे कहा डिजाइन करवाए थे कि स्कार्फ्स हों, शॉल्स हैं, और जो हमारी खवातीन जिस तरह कोई इंटरनेशनल डेलीगेट्स में खवातीन आती हैं तो वो भी लेके जाती हैं, पर उन सबसे ज्यादा इस तरह के सोविनियर के ये नेशनल असेंबली का जो यहाँ पे लोगो एंड ये जो मग्स हैं कि वो अपने साथ ज्यादा करके जो स्टूडेंट्स एंड बच्चे हैं वो इस किस्म की चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। स्पीकर्स लाउंज आए, आप 5 साल तक स्पीकर रही, आज आखिरी दिन है, कल से आम रुकने असेंबली की हैसियत से ऐवान में बैठेंगी, महसूसात तो मुख्तलिफ होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इतनी मुतमईन हूँ और उससे जो इज्जत मैंने कमाई और जो यहाँ पे लोगों ने रिस्पेक्ट दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी आपको मुबारकबाद देने आए। जी जी, तो ये सब चीजें थी कि जिसपे एक अपना दिल जो मुतमईन है। तो हल्का फुल्का महसूस करती हैं आप? यकीनन कि उससे अब रोल ये डिफरेंट होगा एंड अपोजिशन में मैं बैठी हूँ और यकीनन वहाँ बैठ के एक अपोजिशन का रोल अदा करना पड़ेगा। आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर इलेक्शन में शिकस्त खा गई, बुनियादी वजह क्या समझती हैं? यकीनन जब कोई पार्टी हुकूमत में होती है
तो उनसे तवक्कात भी होती हैं और फिर हम जिस तरह ख़ास तौर पे एक निशाना भी बनाया गया, उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो भी अगर कमी पेशी है, जो हुई हैं, अगर कोई पास्ट की गलतियां हैं तो उसे करेक्ट करना पड़ेगा। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब रहीं, सदर जरदारी को भी करीब से देखा, दोनों के अंदाजे सियासत में कितना फर्क है? बीबी जो घर की सरबरा जब चली जाए तो यकीनन एक उस घर में आते हैं मसाइल आते हैं, और जब तक कि एक न्यू सरबरा उसमें अपने आप को सेट कर सके, इस्टेब्लिश कर सके, बट उसके साथ साथ जब सदारत के आ गए तो फिर वो पार्टी से बढ़ के मुल्क के मसाइल की तरफ ज़्यादा आ गए, तो यकीनन उस तरीके से ना पार्टी को अटेंशन मिली और ना वो उनको अंडरस्टैंड करने का या उस तरीके से पार्टी वर्कर्स के साथ उतना क्लोज राबता रखने का मौका मिल सका। आपके खावन डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा सिमाप सिफ्त और आप ठंडे मिजाज की हैं, आग और पानी का इकट्ठे गुजारा कैसे होता है? ना वो इतने सख्त हैं जितने टीवी दिखाता है और ना मैं इतनी शायद नरम हूँ। लड़ाइयाँ तो होती होंगी। मेरे ख्याल में वो हर घर हर रिश्ते में, वो रिश्ता ही नहीं वो जिसके अंदर के कोई डिसएग्रीमेंट ना हो या इस किस्म की चीज़ें ना आए। बहुत सी चीज़ें हैं उनकी जो मैं एग्री नहीं करती हूँ और कुछ मेरी हैं जो जाहिर है कि वो भी एग्री नहीं करते हैं। वी स्टिल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दिस इज वॉट आई थिंक। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने जब मुत्तहिदा के खिलाफ मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या आपसे पहले मशवरा किया था? आपके लिए मुश्किलात तो पैदा हो गई थी। जी हाँ बिल्कुल हुई, और नहीं मशवरा इस तरह नहीं था, यकीनन उन्होंने इससे पहले बात ये ज़रूर की थी कि वो शायद रिज़ाइन कर दें अपनी मिनिस्ट्री से, लेकिन जिस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन मशवरा नहीं हुआ था। आप उनसे नाराज हुई थी? यकीनन, क्योंकि जितने एक्सट्रीम तक एक वो था, पर बहरहाल वो उनका पार्टी का मौकफ था। अपने शौहर की पार्टी से सुलह करवाने में आप ही ने किरदार अदा किया होगा। जो भी इश्यूज थे उसको पार्टी के अंदर बैठ के रिजॉल्व होना चाहिए था, और जो कि शायद उसी लेवल पे ही बातचीत हुई। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बतौर स्पीकर आपके पास रेफरेंस आया था, हुकूमत ने दबाव तो डाला होगा? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और मैंने देखा और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सब कुछ फैसला किया। लेकिन अदलिया ने तो आपके फैसले को उड़ा दिया। ये अब एक चीज ऐसी है कि जिसके ऊपर फर्दर डिबेट हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक फैसला है जो जुडिशरी ने किया है, लेकिन एक फैसला है जो बीइंग अ कस्टोडियन मेरा था। आपकी जगह पर सरदार अय्याज सादक नए स्पीकर नामजद हो चुके हैं, आपकी राय में वो बतौर स्पीकर कैसी कारकर्दगी दिखाएंगे? दो टेन्योर्स हमने साथ गुजारे हैं, और जितना मैंने उन्हें महजब पाया और जो तरीके कार मैंने देखा, मैं समझती हूँ कि ही सूटेबल फॉर दिस जॉब। कई खवातीन आपकी ड्रेसिंग को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुशाबे करार देती हैं, क्या आप सोच समझकर ऐसा करती हैं? हो सकता है कुछ मैं इतनी इंस्पायर्ड थी कि उसमें ऑटोमेटिकली अगर कुछ नेचुरल तरीके से आ गया हो तो ये मैं नहीं कह सकती, बट शुरू से आई थिंक दिस इज हाउ आई यूज्ड टू ड्रेस अप।